हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकेंड यूनिट का लास्ट वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इस यूनिट के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उम्मीद है आपका सारा जो पर्पज़ है स्टडी करने का, सारा कंटेंट है आपको अचीव हो रहा होगा। इफ इट्स नॉट हेल्पिंग यू, प्लीज़ यू कैन शेयर विद मी। एंड बिकॉज इन सेकेंड यूनिट में आपका जो लास्ट पार्ट है वो सारा लिटरेचर से ही रिलेटेड है, वो हमारा साउथ इंडियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पर्सियन। तो मैंने इसी एक वीडियो में इसको कंपाइल करने का कोशिश किया है, बिकॉज MCQ टाइप में क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और इफ़ यू फील सो दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो एवरीबडी कैन अचीव द बेनिफिट्स ऑफ दीज वीडियोज। तमिल ग्रामर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एक्सटेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर रिटन बाय टोकापियर टोकापियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर जो कि उस समय का जो ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर वर्क है हमारे पास, थ्री किंगडम्स थी, चोला, पांड्या और चेरा, उसको संगम लिटरेचर उस समय साउथ इंडिया का ये माना गया है। और उस समय जो भी लिखा गया है वो संगम लिटरेचर में ही माना जाता है। उस समय को इनको उन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पट्टी पट्टू एंड पथिनी कलाकंकू। हालांकि और भी लिखा गया, जैसे नालंदियार ने लिखा नेचर ऑफ लाइफ एंड यूथ पे, ये भी संगम लिटरेचर में ही कंपोज हुआ था। इनका तमिल ग्रामर भी संगम लिटरेचर में ही कंपोज हुआ है। तो संगम लिटरेचर से क्वेश्चन जरूर आने की पॉसिबिलिटीज है। देन एंशियंट फोर ड्रेविडियन लैंग्वेज जो हमारी मानी गई है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कालिदास गुप्ता पीरियड में रहे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा संस्कृत पर लिखा है। इनके मेन जो वर्क है वो है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभावा, बीजान शाकुंतलम। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बाना भट्टा, जिनको बाना भी बोला जाता है, ये किंग हरिषा के समय में थे। इन्होंने हर्षचरित्रा के ऊपर बायोग्राफी लिखी है और कादम्बरी पर लिखा है। इंडियन लिटरेचर कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स रिटन इन वैदिक संस्कृत, दैट इज ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा पे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सबसे पुराना ब्रह्मानस क्या है, या सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लिट वर्क क्या है, या इंडिया का सबसे पुराना, तो दैट इज ऋग्वेदा। इसी में ही 10 राजा की फाइट के बारे में बताया है, इसी में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया है, 10 मंडल्स में डिवाइड है ये। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। बाइबल ऑफ तमिलैंड बोला गया तिरुकुरल को। वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है दैट इज महाभारत, जिसमें कि 1000 श्लोक्स हैं। हालांकि स्टार्टिंग में इसमें 8800 श्लोक्स थे और इसको नरेट किया था वेद व्यासा ने और रिटन डाउन किया था गणेशा ने। अगर सिंपल पूछा जाता है किसने लिखी है तो वेद व्यासा, अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने नरेट किया, किसने लिखा, तो गणेशा। और पहले इसका नाम जया समिता था, बाद में जया, देन विजया, भारता और लास्ट में महाभारता हुआ। पंचतंत्र, जो कि पॉलिटिकल ट्रीटीज को डिस्क्राइब करती है उस समय की, लिखी थी विष्णु शर्मा, 300-400 BC के आसपास। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल से थे, बहुत फेमस पोइट थे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कादम्बरी और गीतांजलि इनके इंपॉर्टेंट वर्क है और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है। बाकी हमारे यहाँ जो बुकर प्राइज मिला है वो अरुंधति राय को, किरण देसाई को, ये भी इंडियन ऑथर है, बट ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एंशियंट लिटरेचर से पूछने की पॉसिबिलिटीज है। पानी, जो कि वेरी फेमस फॉर अष्टाध्यायी और ग्रामरियन रहे हैं, और इज द वर्ल्ड रिनाउंड ग्रामरियन है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है ग्रामर के, मतलब इन्होंने संस्कृत में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रामर हमको दिया। और 4000 सूत्र हैं इनके, 8 उसमें इन्होंने डिवाइड किया है, तो फाइनल कोडिफिकेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। साउथ इंडियन सिटी मालगुडी, क्रिएशन ऑफ R.K. नारायणा। फेमस नॉवेल आनंद भट्ट, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, R.K. नारायणा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये सारे इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है। अर्थशास्त्र जरूर पूछा जाएगा इसे क्वेश्चन, रिटन बाय कौटिल्या, और आप कह सकते हैं चंद्रगुप्ता, विष्णुगुप्ता, कोई भी नाम हो तो समझ जाइएगा, रिटन बाय मीन्स कोई भी एक नाम अगर इसमें से दिया है तो वही इन्होंने लिखा है। मौर्य पीरियड में लिखी गई थी और डील करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर, बहुत हेल्पफुल है। आज की डेट में भी ये मैनेजमेंट टूल माना जाता है, जो कि 15 चैप्टर्स में डिवाइड है।
धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति जो कि सांगा एज में लिखे गए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब करते हैं हमारी सोसाइटीज की। हालांकि धर्मशास्त्र जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेनली 18 और समथिंग लाइक दैट बुक्स उसमें कलेक्ट की गई है, जो कि ब्राह्मण ने लिखी थी उस समय की, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। तो मनुस्मृति भी उसमें ही एक पार्ट है। मुद्रा राक्षा एक प्ले है जो कि विशाखा दत्ता ने लिखा था, उस समय की स्टोरी एंड कल्चर को डिस्क्राइब करता है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मेगास्थेन जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक हिस्टोरियन, जब वो इंडिया आया था मौर्य पीरियड के टाइम में, तो उसने इंडिया की सोसाइटी और कल्चर पर बहुत कुछ लिखा है। उसकी फेमस बुक है इंडिका जिसको बोला गया। नारस्मृति रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गुप्ता एज में लिखी है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। अचरंगा सूत्र जो कि डील करती है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैन मोंक्स, हालांकि जैनिज्म और बुद्धिज्म पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, बिकॉज ये क्वेश्चंस उसमें से जरूर आएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, गोदान गबन मानसरोवर इनके फेमस वर्क रहे हैं, हिंदी के ऑथर रहे हैं ये हमारे। सत्यमेव जयते हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद के लिए भी मैंने वीडियोज बनाया है, तो you can get lots of knowledge from that also. Famous book अकबर नामा written by अब्दुल फेजी, और बाबर ने भी book लिखी थी तुझक तुगजुक, तो अगर ये भी question आता है तो आप याद रखिएगा बाबर, because he was also very fond of literature. पुराण जो कि पुराण का मतलब होता है इतिहास, जो कि हमारे history को describe करते हैं, उस समय की राजा एंड देवी देवता के बारे में बताते हैं। टोटल 18 पुराण है, हालांकि 18 मेजर पुराण है और 18 ही माइनर पुराण है। तो जो हमारे मेजर पुराण है 18, वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण। संस्कृत में ही लिखे गए हैं, पावर एंड वर्क ऑफ गॉड को डिस्क्राइब करते हैं, और 18 जो हमारे उप पुराण है ये दोनों मिलके 4 लाख वर्सेस बनाते हैं। सिलापतिकरम एंड मनी मेकलई इंपॉर्टेंट एपिक्स है तमिल लिटरेचर के। आमिर खुसरो और हमारे मिर्जा गालिब बहुत फेमस फिगर रहे हैं, पोइट रहे उस समय के उर्दू एंड पर्शियन के, और इन्होंने गजल्स, शायरीज, नज हम लोग के लिखा है और जिसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं। दे हैव गिवन अ रिच लिटरेचर टू अस। 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर जो कि कवि चक्रवर्ती पोना, आदि कवि पंपा, कवि चक्रवर्ती राणा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पोना, पंपा और राणा, जो कि राष्ट्रकूट किंग के टाइम में थे ये लोग, और इनको 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर माना गया है। नवरत्ना समुद्रगुप्ता के टाइम पे, बिकॉज गुप्ता पीरियड जो है हमारा गोल्डन एज पीरियड माना गया है, और उस समय आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, एंड तो उन्होंने अपने 9 जो थे उन लोगों को नवरत्ना का नाम दिया था, जिसमें से कालिदासा, अमर सिम्हा, वरुचि, धनवंतरी, हरिसेना, संकु, वरहमीरा और वटला भट्टा, ये अपने अपने वर्ल्ड में फेमस थे। कोई लाइक एस्ट्रोलॉजर था, कोई मैजिशियन था, कोई फिजिशियन था, देवर वेल नोन इन देयर ओन फील्ड। नागरंजना जो कि एक ग्रेट बुद्धिस्ट टीचर रहे हैं ड्यूरिंग कनिष्का के टाइम पे, और द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसोफर, एंड कनिष्का जो थे वो बुद्धिस्ट को बहुत फॉलो करते थे, और उन्होंने बहुत कुछ किया उस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी। पृथ्वीराज रासो हमारी पहली बुक है जो कि हिंदी में लिखी गई थी। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर अगस्त्या को बोला जाता है, उन्होंने अकथ्यम लिखा था। फादर ऑफ मलयालम रामानुजन एचुथचन को बोला गया है, रोट अध्यात्म रामायण और महाभारत, नरेटिव डिवाइस ऑफ किलीपट्टम, किलीपट्टम का मतलब होता है द सॉन्ग बाय बर्ड। फर्स्ट मलयालम ग्रामर हमारी है लिलित कलम, पहला मलयालम प्रोज वर्क है भाषा कौटिल्यम जो कि चाणक्य अर्थशास्त्र पर लिखा गया है। नैना बटार का जिनको की नैना भट्टा भी बोलते हैं, तेलुगु के पोइट रहे हैं, इन्होंने आंध्र महाभारत लिखी और ये उस समय ये इनको आदि कवि का नाम दिया गया। तिकाना एराना एंड नैना नोन एज द कवि त्रया ऑफ तेलुगु लिटरेचर। मिर्जा गालिब अभी आपको बताया, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, देवर द फेमस, दे हैव गिवन द फेमस लिटरेचर वर्क ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में आया था हमारा उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज, तो आई थिंक ये आपको सारी नॉलेज बहुत हेल्पफुल करेगी, और उम्मीद है कि इसमें से आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। बाकी बुद्धिज्म जेनिस पे भी मैंने आपको बताया है, उपनिषद एंड वेद पे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाने की उम्मीद है, लिटरेचर में एंशियंट ही आपका है सिलेबस में। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और रिक्वायरमेंट है तो यू कैन प्लीज़ राइट डाउन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू, एंड इफ़ यू फील सो दैट प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग।